हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 13 बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। चैप्टर 13 है हमारा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम जो पढ़ेंगे उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम वो क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? देखिए, ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। एक एग्जैक्ट लोकेशन को डिनोट करता है जो पॉइंट होता है। इसकी ना कोई लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। इट हैज नो विड्थ एंड नो लेंथ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक पेन की नोक टिकाई तो यहाँ पर जो ये सिंबल बना है ये क्या कहलाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें इन्हें डिनोट करने के लिए जो ABCD के लेटर्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने A डाल दिया, आपने यहाँ पर सुई की नोक टिका दी तो वो भी एक पॉइंट बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा B, तो जो भी पॉइंट्स हैं इनको हम डिनोट किससे करेंगे? अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं, ABCD के जो लेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन। ए लाइन क्या होता है? आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा लाइन के बारे में, लेकिन ए लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ। एक जो लाइन होता है वो एक स्ट्रेट पाथ होता है, सीधा रास्ता होता है ऑफ पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने दो पॉइंट्स डाल दिए A एंड B ऑन बोथ साइड, दैट एक्सटेंड। एक्सटेंड्स होता है बढ़ना। अब ये पॉइंट से आगे बढ़ती है, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड मतलब इधर भी बढ़ेगी और इधर भी। साइड्स मीन्स डायरेक्शन भी हो सकती है, विच आर नॉट एंडिंग। ये जो साइड्स की जो डायरेक्शन है जहां पर ये लाइन बढ़ रही है, इनका कोई एंड नहीं है, इनको आप चाहे जितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। जैसे जो लाइन होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों साइड हम जितना चाहे इनको दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट होता है, देखिए, लाइन सेगमेंट ए पास ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ये इसका एक पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट मतलब जैसे ये हमारी लाइन है, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई है, हमारी लाइन है, इसका एक हिस्सा, एक पार्ट। जैसे AB जो पॉइंट है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? एक लाइन सेगमेंट। ये दो पॉइंटों के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट्स, तो पॉइंट्स यहाँ पर A और B है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। ये डिस्टेंस फिक्स होती है, ये फिक्स जो इसकी दूरी है वो निश्चित होती है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इट हैज ए फिक्स्ड लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, लाइन को तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है? जैसे AB, ये आपका है, दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है ये लाइन सेगमेंट है। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? अगर हमें दिखाना है लाइन सेगमेंट को, हम इसको दिखाएंगे AB और ऊपर हम यहाँ पर एक ऐसे एरो लगा देंगे, सिंबल जो आपका लाइन सेगमेंट का है ये लगाएंगे। लाइन को दिखाने के लिए हमें कैसे दिखाएंगे? जैसे आपकी AB लाइन है तो इसको हम AB लिखेंगे और दोनों साइड हम इसके एरो लगा देंगे। ये हमारा लाइन का जो सिंबल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे क्या होती है? देखिए, आपने सुना होगा रे होती है किरण। जैसे आपने एरो देखा होगा, जो तीर होते हैं, तीर कैसे होता है? वो एक साइड से तो एंड होता है, लेकिन एक साइड में उसके ऐसे एरो का निशान होता है। तो इसमें क्या है? देखिए, ए रे इज ए स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट। की जो रे होती है वो एक स्ट्रेट मतलब सीधा रास्ता होता है। रे जैसे ये है आपका, ठीक है, इसमें यहां पर एंड पॉइंट होता है, तो इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, बट एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन। लेकिन दूसरी डायरेक्शन में ये आप कितना भी इसको आगे बढ़ा सकते हो। इसमें एक साइड एरो होता है और एरो से आप इसको चाहे जितना आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी हो गया। इसमें जो लाइन की तरह एक साइड में एरो होता है, लाइन में हमारा दोनों साइड एरो होता है, तो ये हमारी एक साइड इसका एंड पॉइंट होता है, एक साइड हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, होती है रे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्लेन। प्लेन प्लेन होता है, जैसे आपने देखा होगा फ्लैट, फ्लैट होता है ना, फ्लैट क्या होता है? समतल, जो बिल्कुल एक सीधा पार्ट होता है, जो उबड़ खाबड़ नहीं होता है, जो ना ही उसमें कोई टॉप होता है, ना वो गोल होता है, वो क्या होता है? ऊपर से बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, तो ऐसे फ्लैट सरफेस, ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस। जो प्लेन होता है वो क्या होता है? फ्लैट सरफेस। जैसे आपकी क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में आपका ब्लैक बोर्ड है, आपका ब्लैक बोर्ड कैसा सरफेस है? वो एक प्लेन सरफेस है। ऐसे ही आपका जो टेबल है, बेंच है जिसपे आप बैठते हो, टेबल का टॉप होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, ऐसे ही। ठीक है, और भी आपके ऐसे जैसे उसमें विंडोज हैं, वो भी आपकी फ्लैट सरफेस पे है,
और भी बहुत से एग्जाम्पल आपकी बुक्स हैं, बुक्स का सरफेस कैसा होता है, सरफेस होती है उनकी जो ऊपर की सतह होती है वो कैसी है, वो फ्लैट होती है, ठीक है। अब जैसे आपके पास एप्पल है, एप्पल कैसा होता है, ये कर्व में होता है, तो इसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस, ठीक है। जैसे आपकी फुटबॉल है, फुटबॉल भी कैसी होती है, ऊपर से राउंड होती है, स्फीयर की तरह होती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो अगर हमें एरो को डिनोट करना है तो हम एरो को डिनोट करेंगे, जो पॉइंट्स है वो नाम डालेंगे और उसमें एक साइड आप ऐसे एरो बनाओगे। लाइन को डिनोट करना है तो आप दोनों साइड एरो बनाओगे। अगर आपको लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है तो हम इसको एक लाइन बना देंगे। और यदि आपको पॉइंट को डिनोट करना है तो हम ऐसे एक पॉइंट डालेंगे और इस पे इसका नाम लिखेंगे ए बी सी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट चैप्टर 13। आप इस वीडियो को देखिए और इनकी हेल्प से एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।